सिपनी मालबात तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बीलतलाई में घर के लिए लकड़ी बीनने जंगल से लगे खेत गई 8 वर्षीय बालिका आनिया कलमे पिता मरसिया कलमे के हाथ में सुअर बम फट गया, जिससे बच्ची के हाथ में गंभीर चोट आई है। बालिका के पिता ने बताया कि उसकी बच्ची घर के पास के खेत में लकड़ी बीनने गई हुई थी, जहाँ किसी के द्वारा सुअर मारने का देसी बम रखा हुआ था। लकड़ी बीनने के दौरान बम में हाथ पड़ गया और वो फट गया, जिससे उनकी बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। बम के धमाके सुने आस पड़ोस के लोग दौड़कर आए और खून से लथपथ बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। घायल बच्ची के पिता अमर सिंह कलमे ने बताया कि इससे पहले भी हमारे गांव भील तलाई में इस तरह की घटना हो चुकी है। लोगों के द्वारा जंगली जानवरों से अपनी फसल बचाने के लिए देसी बम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। जब जानवर इसके संपर्क में आता है या जानवर इसे खाने का प्रयास करता है तो ये बम फट जाता है। लेकिन इस प्रकार से खेतों में देसी बम रखने वालों पर प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे हर कोई अपने खेतों में जानवरों से बचाव के लिए इस तरह के बम रख देता है, जिससे हादसे का डर बना रहता है। थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने बताया कि इस तरह देसी बम का उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई शिकायत मिलती है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी एक लड़की है 8 साल की, आनिया कलमे नाम है जिसका, उसके उल्टे हाथ में गोला बारूद फटने से चोट आई प्रतीत होती है। उसका प्राथमिक उपचार करके उसे जिला अस्पताल होशंगाबाद रेफर करेंगे। उसके उल्टे हाथ में चोट है, इसे लगभग उसके दो या तीन उंगली क्रश्ड है उसमें।